तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। प्रणाम मित्रों, वर्षा ऋतु में घर के कंपाउंड में पुरानी दीवारों पर, छत पर हरी काली आदि रंगों की सेवाड़ लीलन जम जाती है, उसको हम निगोद कहते हैं। आलू, कंदमूल, प्याज की तरह निगोद भी अनंत काय है। उसके एक सूक्ष्म कण में भी अनंत जीव होते हैं। उसके ऊपर चलने से, सहारा लेकर बैठने से, उस पर वाहन चलाने से अथवा उस पर कोई वस्तु रखने से या पानी गिराने से निगोद के अनंत जीवों की हिंसा होती है। आलू आदि अनंत काय है। जब उन्हें दांतों तले चबाना महापाप है तो अनंत काय ऐसी निगोद को हम पैरों तले नीचे कैसे कुचल दें? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि निगोद की विराधना से कैसे बचा जा सकता है। जो जगह अधिक समय तक गीली रहती है वहां लीलन की उत्पत्ति होती है। स्नानघर भी यदि पूरा दिन गीला रहे तो उसमें भी निगोद की उत्पत्ति होती है। इसलिए घर का कोई भी स्थान अधिक समय तक गीला ना रहे, इसकी सावधानी रखें। नीचे देखकर चलना। रास्ते में कहीं पर भी निगोद जमी हो तो एक तरफ हटकर स्वच्छ जगह पर चलिए। ऐसे निगोद जमे हुए रास्ते पर चलने से अनंत काय की हिंसा होती है तथा कभी कभी पैर फिसलने से हम गिर भी सकते हैं या हमें चोट भी लग सकती है। मकान के कंपाउंड में चलने के रास्ते पर निगोद उत्पन्न ना हो, उस हेतु बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही निम्न उपाय कीजिए। जैसे निगोद ना हो ऐसी मिट्टी का वहां बिछा देना, निगोद ना हो ऐसी फ्लोरिंग करा देना, डामर का पट्टा लगा देना या सफेद रंग का पट्टा लगा देना। एक बार यदि निगोद हो जाए तो उस पर मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, न साफ करना या ना उसे उखेड़नी चाहिए और नहीं कलर या डामर का पट्टा लगाना चाहिए। स्वाभाविक तरीके से वह जब तक सूख ना जाए तब तक उस पर कुछ नहीं करना चाहिए। लकड़ी के ऊपर रंग, वार्निश, पॉलिश करने से भी निगोद की उत्पत्ति नहीं होती है। तो मित्रों, आज ये निगोद की हमने जो भी जानकारी ली वो जानकारी हमारे जीवन में भी उतारे और आगे ये मित्रों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आगे भी कहीं जैना के हम नए विचार प्रसारित करेंगे वो आप तक सरलता से पहुंच सके। प्रणाम मित्रों।